यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण खत्म किए जाने के विरोध में टीकमगढ़ युवा कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन करने की तैयारी की जा रही थी, जिसे रोकने के लिए गांधी चौराहे को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया था। निरंतर पुलिस निगरानी बनाए हुए थी। उसी समय आवारा सांड ने ड्यूटी पर तैनात प्रधान आरक्षक सुरेंद्र सिंह पाल पर हमला कर दिया, जिससे चौराहे पर अफरा तफरी मच गई। आवारा पशु की हमले से कोतवाली में पदस्थ हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे पुलिस स्टाफ द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल आरक्षक को उपचार दिया जा रहा है। टीकमगढ़ शहर के गांधी चौराहा, पुराना बस स्टैंड, पपोरा चौराहा, चक्रा तिराहा एवं कलेक्ट्रेट रोड पर ऐसे लगता है जैसे कि आवारा पशुओं का कब्जा हो गया हो। कई बार ये आपस में भिड़ जाते हैं, तब मामला खतरनाक हो जाता है। इनकी वजह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। आवारा पशु फल व खाद्य पदार्थों की दुकानों के आसपास घूमते रहते हैं। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन युवा कांग्रेस टीकमगढ़ को करना था, चूंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी और हमारे सभी साथी भी आज चौराहे पे एकत्रित हो चुके थे, लेकिन एक घटना, चूंकि पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से अपनी तैयारियां यहां पर रखी थी, जिसमें से एक जवान को एक गाय ने आके मार दिया, चूंकि उनकी उनको चोट बहुत ज़्यादा चोट आई है और गंभीर स्थिति उनकी बन गई है। चूंकि उसको देखते हुए हमारी पार्टी ने इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है, चूंकि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान लगातार ओबीसी समाज के साथ जिस प्रकार ये अनदेखा व्यवहार कर रहे हैं, और उन्होंने आज चुनाव स्थगित करने की भी जो पारित प्रस्ताव पारित किया, जिसके खिलाफ में आज हमें पुतला दहन करना था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।